Hello and welcome everybody back to my YouTube channel, The Economics World by Sibai. So today our topic is going to be on the real business cycle theory. आज हम समझेंगे कि real business cycle theory होती क्या है. So अभी तक आपने ये समझा होगा कि जो trade cycles होती हैं, trade cycles हमारी क्या होती हैं? जैसे जब हमारा यहाँ पर ये recovery period होता है, boom period होता है, recession होता है, depression होता है, तो ये हमारी trade cycles होती है. इसी के अलग अलग types की हमारी अलग अलग economists ने trade cycles दी हैं. अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि real business cycle theory, अभी तक जो हमने business cycles पहले पढ़ी हुई हैं, that is according to the shift in the aggregate demand. जब हमारी डिमांड में चेंज आती है टेक्नोलॉजी की वजह से, जब डिमांड में चेंज आती है, तब हमने उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड साइकिल्स पढ़ी हैं. पर यहाँ पर हम रियल ट्रेड साइकिल थ्योरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम रियल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, रियल फैक्टर्स. यहाँ पे हम मॉनेटरी फैक्टर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम रियल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड हम ये देखेंगे कि रियल फैक्टर्स की वजह से, टेक्नोलॉजिकल शॉक की वजह से हमारे एग्रीगेट सप्लाई में जो चेंज आ रहा है, दैट इज बेसिकली द रियल ट्रेड साइकिल थ्योरी. सो हमारे रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी में यही सब चीज़ें हैं कि बेसिकली हमारी सप्लाई कब हमारी शिफ्ट हो रही है टेक्नोलॉजिकल शॉक की वजह से, एंड आगे हमारी रियल GDP एंड प्राइस लेवल पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, YT इक्वल टू AT फंक्शन ऑफ YT एंड KT एंड LT, सॉरी KT एंड LT. नाउ व्हाट इज दिस Y? ओके, टी इज बेसिकली द टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्योंकि इसी की वजह से हम बताएंगे ना कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हो रहा है. तो Y इज बेसिकली द आउटपुट, AT is basically the technological shock, ठीक है, ये technological shock है जिसकी वजह से हमारा production function में क्या होगा, change होगा. Function of KT and LT, KT is the capital and LT is the labor at a particular amount of time. T is basically for the time key. इस particular amount of time में हमारा output technological shock, which is a function of the labor and the कैपिटल, ठीक है. ये बेसिकली हमारा था ग्रोथ इक्विलिब्रियम, हमारा कैसे ये अचीव हो सकता है, ये उसकी ग्रोथ इक्वेशन थी, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि कैसे हमारा टेक्नोलॉजिकल शॉक शिफ्ट्स द प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है. यहाँ पे हम ऊपर शॉर्ट में लिख लेते हैं इसकी इक्वेशन, ये हमें काम आएगी. YT इक्वल टू AT F KT एंड LT. ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, ये हमारी ग्रोथ इक्वेशन है जो हमें काम आएगी. अब हम बनाते हैं अपना ग्राफ, एंड ये भी याद रखिएगा कि पॉजिटिव, अब हम टेक्नोलॉजिकल शॉक भी है तो वो दो टाइप के टेक्नोलॉजिकल शॉक है, एक पॉजिटिव टेक्नोलॉजिकल शॉक, एक नेगेटिव टेक्नोलॉजिकल शॉक. तो अगर पॉजिटिव टेक्नोलॉजिकल शॉक होगा तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो हम बनाने जा रहे हैं, दैट विल शिफ्ट अपवर्ड्स, एंड अगर नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड्स. सिमिलरली जो हमारा GDP एंड प्राइस लेवल, हम इसके आगे पढ़ेंगे. सो GDP एंड प्राइस लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हमारा पॉजिटिव टेक्नोलॉजिकल शॉक होगा तो GDP एंड प्राइस लेवल हमारा बढ़ेगा, एंड अगर नेगेटिव होगा सो वाइस वर्सा घटेगा. अब हम बनाते हैं इसकी ग्राफ. सो ऑन एक्स एक्सिस वी विल शो द लेबर, एंड ऑन वाई एक्सिस वी विल शो द आउटपुट. दिस इज बेसिकली, see, this is the production function and how we will mention it, A0T function of KT and NT. K is basically capital, N is basically labor. Okay, ये हमारी production line है. At zero यहाँ पे क्यों लिखा है, मतलब first level. जब हमारा technological shock A0 है तब हमारी production line क्या है, ये है, ठीक है. लेबर यहाँ पर है, आउटपुट यहाँ पर है, एंड फंक्शन ऑफ KT एंड NT. अब आप ये देखो, इस प्रोडक्शन लाइन पे हमारा लेबर कितना है, OL0. OL0 हमारा क्या है, लेबर है, एंड आउटपुट कितना है, Y0, ठीक है. अब हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव टेक्नोलॉजिकल शॉक हुआ, पॉजिटिव टेक्नोलॉजिकल शॉक. पॉजिटिव टेक्नोलॉजिकल शॉक होने की वजह से जो हमारी ये प्रोडक्शन लाइन है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी या नीचे की तरफ शिफ्ट होगी? ऑब्वियस ही बात है कि पॉजिटिव टेक्नोलॉजिकल शॉक है तो ये लाइन हमारी क्या होगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी.
ये हो गया ए वन टी फंक्शन ऑफ के टी एंड एन टी, ठीक है, वन टी क्यू अभी ऊपर एक तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव टेक्नोलॉजिकल शॉक हुआ, तब हमारा लेबर एल जीरो था, अब पॉजिटिव टेक्नोलॉजिकल शॉक की वजह से सेम एल जीरो अमाउंट ऑफ लेबर पे हमारा आउटपुट कितना है, वाई वन। आप ये देख रहे हो, इसको बढ़ा देती हूँ, ठीक है। पॉजिटिव टेक्नोलॉजिकल शॉक को आप सिंपल समझो, ये हमारी प्रोडक्शन लाइन थी, जब हमारा टेक्नोलॉजिकल शॉक क्या था, ए जीरो। अब हमारा पॉजिटिव टेक्नोलॉजिकल शॉक हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी प्रोडक्शन लाइन बढ़ गई। अब जब प्रोडक्शन लाइन बढ़ गई तो सेम अमाउंट ऑफ लेबर पे हमें आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको बी दे देती हूँ और ना मैंने इसको मैं सी दे देती हूँ। अब आप मेरे को ये बताओ, ये वाली लाइन स्टीपर है इससे, तो अगर स्टीपर है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हमारी हाई होगी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जब हाई होगी तो रियल वेज रेट जो है, देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हाई होगी तो जो रियल वेज रेट है वो क्या होगा, राइज होगा। रियल वेज रेट राइज होगा तो हमारे क्या होंगे, जो लेबर की डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी, लेबर भी हमारे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज होगी। अब आप ये देखो, इसकी वजह से लेबर हमारे कहाँ आ जाएंगे, एल वन पे। एंड अब जो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होगा उसको मैं नाम दे देती हूँ वाई टू। सोचिए वाई टू से हम लोग कहाँ पर आ गए, वाई नॉट से हम लोग कहाँ आ गए, वाई टू पे। ये हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंज, जो पॉजिटिव टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ उसकी वजह से हमारा क्या हुआ, ये सब चेंजेस है कि हमारा जो पहले लेबर था एल नॉट, वो हमारा आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर रहा था, वाई नॉट। अब जब हमारा टेक्नोलॉजिकल शॉक पॉजिटिव हुआ तो हमारे सेम अमाउंट ऑफ लेबर हमारा कितना प्रोड्यूस कर रहा था, वाई टी, ठीक है, इसको मैं वाई वन नाम दे देती हूँ। उसके बाद जब, अब क्योंकि ये हमारी लाइन देखिए ऊपर की स्टीपर हो गई है पॉजिटिव टेक्नोलॉजिकल शॉक की, इसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ेगी, रियल वेज रेट बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारे लेबर की डिमांड बढ़ेगी एंड लेबर भी हमारे क्या होंगे, ज्यादा एम्प्लॉयड होंगे। लेबर ज्यादा एम्प्लॉयड हुए, ये हमारी लाइन यहीं पर आई न्यू टेक्नोलॉजिकल शॉक की तरह, एंड हमारा क्या होगा, इसको मैं नाम दे देती हूँ डी, ठीक है। यहाँ पर हमारा अब लेबर भी ज्यादा है एल जीरो से एल वन, एंड हमारा आउटपुट भी ज्यादा है Y नॉट से Y टू। ये बेसिकली हमारा था टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से जो हमारे यहाँ पे चेंजेस है। अब आप मेरे को ये बताओ, अब जो ये बढ़ा हुआ आउटपुट है, ठीक है, ये जो बढ़ा हुआ आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट जो बढ़ा हुआ है, अब इसको लेबर दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो वो कंज्यूम कर सकते हैं या तो वो सेव कर सकते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है कि सारा तो वो लोग कंज्यूम करेंगे नहीं, ऑब्वियस ही बात है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करते, वी कंज्यूम अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अमाउंट एंड देन द रेस्ट वी सेव। तो वही हमारे लेबरर्स भी करेंगे, क्या करेंगे कि हमारी सेविंग हमारी इकोनॉमी में बढ़ना शुरू हो जाएगी आउटपुट बढ़ने की वजह से। अब क्योंकि हमारी सेविंग बढ़नी शुरू हो गई जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, हमारा कैपिटल स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा, कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, तो हमारी जो हमारी क्या कहते हैं जीडीपी है वो भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जीडीपी का भी मैं आपको ग्राफ अलग से बताऊंगी। देखिए यही इसका क्या है आफ्टर इफेक्ट, जो हमारी जीडीपी प्राइस लेवल हमारे सब क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जो हमारी आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी हमारे सर्विस पॉजिटिव टेक्नोलॉजिकल शॉक की वजह से। अब मैं बताती हूँ कि हमारे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कहते हैं जीडीपी को, जीडीपी का भी हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे एंड क्योंकि हम रियल फैक्टर्स मान के चल रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि जो हमारे सप्लाई कर्व क्लासिकल्स में अकॉर्डिंग हमारे सप्लाई कर्व क्या थे, क्योंकि उन लोग रियल फैक्टर्स कंसिडर करते थे तो उनके अकॉर्डिंग सप्लाई कर्व हमारा क्या था, वर्टिकल था, फिक्स था, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारा रियल जीडीपी एंड यहाँ पर आएगा हमारा प्राइस लेवल एंड ये देखिए ये हम, और इसमें हम लोग शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कंसिडर नहीं करते, हम लोग इसमें लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा क्या है, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, एवरेज एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इसको मैं एल ए एस नॉट नाम देती हूँ, ठीक है। जब हमारा एल ए एस नॉट है तब हमारा डिमांड कर्व क्या है, तब हमारा डिमांड कर्व ए डी नॉट है, ठीक है। देखिए इस मोमेंट पे हमारा क्या है, जो हमारा प्राइस लेवल है
दैट इज पी नॉट. ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड कर इंटरसेक्ट किए तो हमारा प्राइस लेवल क्या हो गया, पी नॉट हो गया. अब हम कहे, अब हमने पिछले डायग्राम में क्या कहा था कि टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट होने की वजह से अब हमारे जो लेबरर्स हैं वो प्रोड्यूस भी करेंगे, कंज्यूम भी करेंगे, सेव भी करेंगे. अब सेव करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा. ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, हमारी एग्रीगेट डिमांड भी तो इंक्रीज होगी. ठीक है, तो सबसे पहले जब टेक्नोलॉजिकल शॉक होगा तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एल ए एस जीरो. यहाँ पे पहले हमारा ये जो आउटपुट लेवल था रियल जीडीपी वो वाई नॉट था, और हमारा क्या हो गया, वाई वन हो गया. अब जब ये एग्रीगेट ये डिमांड है, ठीक है, ये हमारा जब रियल जीडीपी एग्रीगेट सप्लाई कब शिफ्ट हुआ तो एग्रीगेट डिमांड कब भी शिफ्ट होगा. एग्रीगेट डिमांड कब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा एडी वन. अब हमारा प्राइस लेवल क्या है, ये पी वन. अब देख रहे हो आउटपुट लेवल क्या हो गया, वाई वन, एंड हमारा प्राइस लेवल क्या हो गया, पी वन. ये बेसिकली हमारा किसकी वजह से था, टेक्नोलॉजिकल शॉक की वजह से. अब हमारा क्या है, रियल जीडीपी भी इंक्रीज हो गया है, प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो गया है. एंड आप हमेशा याद रखना कि हम लोग इसमें जो हम लोग इसमें रियल नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने रियल वैल्यूज ले रहे हैं, हम लोग मॉनिटरी वैल्यूज नहीं ले रहे हैं. ओके, जो हमारे रियल फैक्टर्स हैं वो रियल वन है, नॉट द मॉनिटरी वंस. इसी की वजह से हम कह रहे हैं कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर रहा है वो क्या रहेगा, हमेशा वर्टिकल रहेगा. उसको जैसे हम लोग नॉर्मल एग्रीगेट डिमांड सप्लाई का वैसे बनाते हैं, ये इस तरीके से नहीं रहेगा. ठीक है, क्योंकि हमारे क्लासिकल मॉडल की तरह हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे ये एग्रीगेट सप्लाई का वर्टिकल ही शिफ्ट होगा. ये बेसिकली हमारी क्या थी, रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी की जिस्ट. एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट एंड शेयर. एंड अगर इससे रिलेटेड एंड इकोनॉमिक्स में अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी और वीडियो चाहिए जिसपे आपको एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए, यू कैन जस्ट कमेंट मी एंड आई मेक अ वीडियो ऑन इट. एंड तब तक के लिए थैंक यू, आई विल वॉच यू इन द सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.